भी आए ना, अरे मेहमान तो छोड़ो, घर में ऑफिस से पिताजी भी आए। यहां पर कोई है जो पिता पुत्र दोनों एक साथ आए? कौन है? जो छोटी उम्र के हों। हाँ आप हैं, खड़े हो जाइए। आपका बेटा कौन? ये आपका बेटा है, चलिए आगे आइए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलिए माइक दीजिए। देवीलाल गुजर। देवीलाल जी गुजर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो 36 कौम के लोग आते हैं, सबका स्वागत है। यही तो वो भगवान का समोसन है, जहाँ पर हर जाति, हर कौम, हर पंथ परंपरा का लोग मिल जाता है। और हम इसलिए कहते हैं हम मानवता के संत हैं, इंसानियत के संत हैं। जरा एक बात बताओ बेटा, बेटे के हाथ में माइक दीजिए। आपको पाल पोस कर किसने बड़ा किया? पापा ने। जन्म किसने दिया? मम्मी ने। अच्छा, आपके स्कूल की फीस, स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं। फीस नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ाई पूरी हो गई? शादी हो गई? नहीं हुई। माइक ऊपर ही रखो बेटा। शादी कौन कराएगा आपके? पापा। लव मैरिज तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं। हाँ ठीक है, पापा शादी करेंगे। शादी में खर्चा कौन करेगा? पापा। आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, माइक बंद हो गया, आपकी जबान बंद हो गई। विश्राम। और ये सबके साथ है, केवल ये पिता पुत्र के साथ नहीं, सबके साथ है। चलो एक बात बताओ, सुबह उठ कर रोज पापा जी को धोख लगाते हो? हाँ। आज लगाई थी? आज नहीं लगी। हाँ, और आज नहीं लगाई? कहीं आज कोई अशुभ योग है, काल योग है आज कोई? चलो पहले तो धोख लगा लो। ऐसे नहीं, घुटने टिकाओ बेटा, टिका लो, पूरे टिका लो, घुटने टिका लो। है पता नहीं जिनसे मैं घुटना ये हालत होगी, मुड़े ही घूमनी। अच्छा, घर पे पापा जी आते हैं शाम को ऑफिस से, तो आप घर में होते हैं कि बाहर होते हैं? तो आप क्या करते हैं? माइक ऊपर रखो, घबराओ मत। अब तो शादी करनी है, ऐसे डरोगे तो शादी करके क्या करोगे? हाँ क्या करते हैं? कल क्या किया था? कल पापा जी ऑफिस से आए तो आपने क्या किया? मैं आपको ये जीवन का पाठ पढ़ाना चाह रहा हूं। अगर 8 घंटे तक हमारे लिए ऑफिस में कमाकर पापा जी घर पर आए हैं, और एक बात याद रखो, अपने लिए नहीं कमा रहे हैं। कोई भी आदमी अगर अकेला हो ना, बीबी बच्चे ना हो, तो वो लून मिर्ची और रोटी खा के अपनी जिंदगी गुजार लेगा, उसे ज्यादा छाती कोटे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में कमाने के लिए 1000 छाती कोटे करता है, तो उसके पीछे खुद का शरीर कम, अपनी बीबी, अपने बच्चे, अपने परिवार, उनका भरण पोषण कहीं ज्यादा रहता है। तो आप घर पे पापा जी आए, यूं ही घर पे मत बैठे रहो मेरे प्यारे बच्चों। जीवन का ये अच्छा व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार और संस्कार लीजिए। घर में अगर पिताजी ऑफिस से आए हैं तो अपने ही सोफे में मत बैठे रहिए। आजकल स्थिति ये होने लग गई है, पापा जी जमीन पर बैठे रहते हैं, बच्चे सोफे पर बैठे हैं, टांग ऊपर किए हुए हैं, किताब हाथ में लिए हुए हैं, पता ही नहीं लगता कि इनमें बाप कौन है और बाप का बाप बना हुआ कौन है। बाप कौन है और बाप का बाप बना हुआ कौन है, आदमी को पता ही नहीं लगता घर में जाए तो। तो पापा जी घर में आए ना, तो यूं ही बैठे बैठे रहिए, खड़े होइए। जैसे ही पता लगा बाहर गाड़ी आ गई है, जैसे ही पता लगा कि बाहर गाड़ी आ गई है पापा जी की, आप घर में मत बैठे रहिए। घर का ये व्यवहार की शालीनता लाइए कि खड़े होइए। अगर आप रूम में हैं, अगर आप सोफे पर हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तभी पिता के सम्मान में खड़े होइए। घर के गेट तक जाइए, कार से स्कूटर से वो नीचे उतरे हैं तो देखिए सबसे पहले उनके हाथ में क्या है, थैला होगा, कोई सूटकेस होगी, कोई पर्स होगा, वो अपने हाथ में लीजिए। उन्हें प्रणाम करके भीतर लेकर आइए, और न केवल भीतर लेकर आइए अपितु उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाइए, विराजो पापा जी, और फिर एक गिलास जल उनको लाकर दीजिए। लीजिए पापा जी जल पीजिए, और उसके बाद वापस अपना काम शुरू कीजिए। कितना सेकेंड लगा इस काम को करने में, बोलो तो बेटा? 2 मिनट है। 2 मिनट? 2 मिनट लगे नहीं, 1 मिनट में सारा मामला निपट गया है। 1 मिनट लगा, पर पिता के दिल में आपके लिए जगह बन गई। मेरा बेटा कितना अच्छा है, जो मैं अगर घर के बाहर हूं तब भी मुझे लेने के लिए आया करता है। और नहीं तो पता है आजकल, पहले मेरी माँ ने 5 टावर पैदा किए, और आप लोगों की माता पिता ने भी 8-8, 10-10 टावर पैदा किए, पर किसी के माँ बाप ने ये नहीं कहा होगा अरे साहब हम तो इन्हीं से धाप गए। आप किसी के एक को भी कह दो आपके एक ही है, अरे बाप जी एक से धापियो रही मैं तो, फिक्स जवाब। किसी को कह दो अच्छा आपके 2 ही टावर है, अरे बाप जी 2 ही मन तो पूरा तल लियो, 2 ही से धाप गई, 2 ही से तंग आ गए।